कॉशस नजरिया, बेहद एहतियात बरतें और हर छोटे मोटे उछाल पर सेल कीजिए, ये राय इस वक्त स्ट्रैटेजी के तौर पर। आइए ट्रेडिंग आइडियाज भी लेते हैं। विशाल, शुरुआत आपसे करेंगे, गुड आफ्टरनून, बताइए आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर इस गिरावट भरे बाजार में, कहाँ पर खरीदारी या फिर सेल कॉल्स अगर आप दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या होगी? मुझे लगता है ये गिरावट वाले बाजार में जो काउंटर ट्रेंड्स है और काउंटर सेक्टर्स है वो है फार्म और आईटी। और मुझे लगता है विप्रो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो 380-390 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और काफी कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट 1-2 महीने से, तो ये एक डिफेंसिव बेट बन सकता है। लो लेवल्स पे हाई वैल्यू स्टॉक मिल रहा है, सो 380 के स्टॉप लॉस से विप्रो को बाय कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 420 इन द कमिंग वीक्स। और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा आईटी स्टॉक्स के लिए। ओके, ठीक है। सो विशाल की तरफ से उन्हें विशाल को कॉन्ट्रा कॉल है, बिल्कुल जबरदस्त कॉन्ट्रा कॉल, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा कॉल है, काफी कॉन्फिडेंट कॉन्ट्रा कॉल है। लेकिन मैं इनसे एग्री करता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि इस समय आईटी को शॉर्ट करना फैशनेबल हो गया है, पिछले हफ्ते तक तो हो ही गया था। और अगर आप देखें आईटी इंडेक्स को टॉप से 30-40 टका गिर चुका है, एक इंडिविजुअल स्टॉक ज्यादा गिर चुके हैं। और ये मान लेना कि हर कंपनी एक ही भाव से परफॉर्म करेगी, सबके ऊपर प्रेशर आएगा सेक्टर्स पर से, ये शायद उचित नहीं। Let's not paint everyone with the same pressure. कई कंपनीज आउट परफॉर्म करती हैं अपने सेक्टर को, और विप्रो शायद उसमें से एक है जो बक कर सकती है ट्रेंड को। और आप देखिए विप्रो का स्टॉक आज डेज हाई के ऊपर आ गया है, हरे निशान में, इतने खराब बाजार में भी विप्रो अभी ब्रेकआउट किया है हरे निशान में, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉल है, मैं वॉच करूंगा। ठीक है, बिल्कुल इसे वॉच आउट करेंगे। और आपने दूसरा फार्मा स्पेस भी बताया, ठीक है, राजेश से भी समझ लेता हूं उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है आज के। राजेश, तो प्रियंका जी, पहला स्टॉक है जाइडस लाइफ। स्टॉक में काफी समय से अगर हम देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था, और आज के सेशन में देखें तो जो प्राइस एक्शन बना है स्टॉक में, एक डेली सेटअप पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक जिस तरीके से यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट डिस्प्ले कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम एक अच्छा आते हुए दिख सकता है। आज के सेशन में देखें तो स्पेशली फार्मा स्टॉक्स में काफी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। हमें लगता है जाइडस लाइफ यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, अपसाइड के टारगेट 470-475 तक आते हुए दिख सकते हैं, 445 का स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है चेन्नई पेट्रो। ये स्टॉक में देखें तो करीब 6-7 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे विथ वॉल्यूम एक्शन बनते हुए दिखा। स्टॉक में अब 20-50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे स्टॉक में रिगेन किया है, तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ चेन्नई पेट्रो में आज के सेशन में बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 228-232 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 212 का। तो तीसरा स्टॉक होगा कैमलिन फाइन। ये स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है पिछले दिनों में, और एक करेक्शन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके आज वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में आज आते हुए दिखा है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर कैमलिन फाइन के बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म कंटिन्यू कर सकता है। कैमलिन फाइन पे हमारे टारगेट है करीब 175 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 155 के आसपास। कैमलिन फाइन, ये भी इंटरेस्टिंग स्टॉक, क्या बात है, आज हमारे पैनलिस्ट बड़े बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक आइडियाज निकाल के ला रहे हैं। एक्चुअली ये डिफरेंशिएटेड कॉल्स जो हैं ये बाजार को बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस बनाते हैं। वही रोज स्टॉक वही सब ट्रेड कर करके ना, और या फिर उसी साइड पे क्राउडेड होके, उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता है। हो सकता है मोमेंटम में बन जाए, लेकिन जिस तरह का बाजार इस समय हो गया है, मोमेंटम एकदम लूज कर गया, ऐसे में अगर आपकी कॉल में डिफरेंशिएटेड है तो चांसेस ज्यादा है।